शुजालपुर के अकोदिया क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसने पुलिस के साथ लोगों के भी कान खड़े कर दिए हैं। मामला ये है कि ग्राफिक्स का काम कर रहे पराग सिंह गहलोत को देर रात अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया था, जिससे परिजनों ने पुलिस थाने में अगवा का मामला दर्ज कराया है। जब पुलिस पराग ग्राफिक की फैक्ट्री पर पहुंची तो वहां देखा गया कि फैक्ट्री में भी किसी ने आग लगा दी थी। साथ ही पराग गहलोत की एक कार भी फैक्ट्री में पड़ी हुई थी, जिस पर खून के निशान लगे हुए हैं। हालांकि इस उलझी कहानी में कई तरह के मोड़ भी दिखाई देते हैं कि आखिर पराग की दूसरी विस्ता कार और पराग कहां गायब है। क्या पराग के साथ कोई अनहोनी घटना घटित हुई है? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की गंभीरता देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जिला पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव के साथ FSL टीम के प्रमुख भाटी भी मौके पर पहुंचे, जहां डॉग स्कॉट के माध्यम से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। आकर जब देखा है और अपने पुलिस ऑफिस अधिकारी SDO और SDO की टीम लगी हुई है, मुझे लग रहा है कि ये जो किसी बात के कारण, जिसके कारण के भी होगा, जैसे दिख रहा है ब्लड दिख रहा है और जो घटना थी वास्तव में गंभीर घटना है, हम सबके लिए एक रूप से चुनौती है। पूरा पुलिस विभाग उस पर तत्काल त्वरित सदर एक्शन में है और जल्दी से जल्दी उसका निराकरण है, उसके लिए सब प्रयास। बता दें कि यह इंडस्ट्रीज एरिया है, जहां रात 8 बजते ही मय खाने का रूप इंडस्ट्रीज एरिया ले लेता है, जिसकी शिकायत भी कई बार शुजालपुर पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस के सुस्त रवैये के चलते अब शुजालपुर बड़े अपराधों की मंडी बनता जा रहा है। हालांकि SP पंकज श्रीवास्तव पुलिस को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं। स्थल का निरीक्षण किया और जितना समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कोई घटनाक्रम इसमें दिखाई देता है, क्योंकि जो उनकी गाड़ी है उस पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ भी आगजनी की हुई है, काफ़ी जो प्रिंटिंग का मटेरियल है वो जला हुआ है। आउटर एरिया रहते हैं शहर के बाहर के, वो इस तरह की गतिविधियों के लिए लोगों को ज़्यादा नज़र आते हैं, तो उसमें पुलिस का सक्रियता रहनी चाहिए। और रात को कल 10 बजे के करीब इनका पराग जी का यहाँ पर आना भी संभव हुआ है और वो पता लगा है। उसके बाद फिर उनके जो मित्र थे उनके साथ वो यहाँ से वापस चले गए थे शहर की तरफ अपने घर के पास। उसके बाद फिर गाड़ी फिर दोबारा से रात को यहाँ पर खड़ी हुई मिली है, तो देखा जा रहा है कि उसके बाद से फिर क्या क्या घटनाक्रम हुआ।